अतिथि रूप में पधारे और आशीर्वाद देने पधारे, जिनका स्नेह हमेशा, जिन महापुरुषों का आशीर्वाद हमेशा इस गौ सेवा धाम पर रहा है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करती हूँ परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज, आप श्री के आशीर्वचन हम सबको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो और सभी एकदम शांति से बैठ करके श्रवण करेंगे पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन। व्यासपीठ पर विराज परम आदरणीय सानिध्य प्रदान कर रहे स्वामी चिदानंद परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उपस्थित बंधुओं और बहनों, गोपाष्टमी का पावन प्रसंग गो सेवा धाम हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का बहुमंजिली इमारत का भूमि पूजन और साथ में श्री भागवत कथा का श्रवण का एक अनूठा संगम, मैं इस अवसर पर देवी चित्रलेखा जी से जरूर यह निवेदन करना चाहूंगा। लगभग 10 वर्ष पूर्व इसी हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर भी यह उपस्थित था और आज उसका जो रूप और स्वरूप सेवा का हमारे सामने है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई अद्भुत कार्य नहीं हो सकता। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और उसमें भी अबोल मूक प्राणियों की सेवा, गोमाता की सेवा, और गोमाता में भी उन माताओं की सेवा जो दुधारू नहीं है, बीमार है, उनकी सेवा करना। हम देखते हैं आज के इस जमाने में घरों में माता पिताओं की सेवा दुर्लभ हो गई है। वृद्धा आश्रम में जन्म देने वालों को छोड़ते हैं, वहां पर हमारी लिए बहन गो माता की ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य प्राणियों की भी जिस तरह सेवा कर रही है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सेवा परम धर्म है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर कहते हैं जो रोगी ग्लान बाल शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। यानी कि भगवान महावीर कहते हैं कि वो तीर्थंकर की सेवा करता है जो रोगी बाल ग्लान और शख्स की सेवा करता है या बीमार गो माताओं की और अन्य प्राणियों की जो अद्भुत सेवा हो रही है। मैं इस अवसर पर जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं नहीं समझता कि समय मुझे लंबा समय लेना चाहिए, कथा का श्रवण आपका करना चाहेंगे। हमारे श्रेष्ठ पूज्य दोनों ही संत, उनका मैं सुनना चाहूंगा। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम आराम। श्री राधे पूज्य महाराज श्री के उद्भाव आशीर्वचन हम सबको श्रवण करने को प्राप्त हुए और प्रथम बार जिनका यहाँ आगमन हुआ है चंडीगढ़ से पधारे हम सभी के पूजनीय